देश के प्रसिद्ध धाम बद्रीनाथ के पट शुक्रवार को खुल जाएंगे। जी हाँ, कपाट खुलने से पहले की परंपरा तिमुंडिया मेले में शुरू हो गई है। कुल मिलाकर 10 मई को सुबह 4:15 पर बद्रीनाथ के पट खुलेंगे और सबसे पहले मुख्य पुजारी जिन्हें रावल कहा जाता है, वे मंत्रोच्चार के साथ धाम का पहला सेंदार खोलेंगे। इसके बाद गर्भगृह के प्रथम कपाट खोले जाएंगे। कपाट बंद करते समय घी में भीगा जो कंबल बद्रीनाथ जी को पहनाया गया था उसे हटाया जाएगा। इसके बाद माँ लक्ष्मी को बाहर लक्ष्मी मंदिर ले जाया जाएगा। उनकी जगह उद्धव जी बैठाए जाएंगे और कुबेर जी भी बैठेंगे। इसके पश्चात विभिन्न नदियों और कुंडों से लाए गए जल से भगवान को स्नान कराया जाएगा। बताया जाता है कि यहाँ पर टिहरी के शाही परिवार से जुड़ी एक भ्रांति भी जुड़ी हुई है। कपाट खुलने से लेकर बंद होने के समय टिहरी के राजा की कुंडली से इसका समय तय किया जाता है। श्रृंगार में इस्तेमाल होने वाला तेल भी राज परिवार की सुहागन स्त्रियां ही निकालती। एक भ्रांति के चलते टिहरी के शाही परिवार के लोग दर्शन नहीं करते और अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। बहुत पहले एक बार राजा आए थे और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। इसके पश्चात यह मान्यता बन गई कि राज परिवार के लोग भगवान बद्रीनाथ के दर्शन नहीं करते। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.